मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, मेरा प्लान यह है कि मैं घूमता रहूँ, मिलता रहूँ लोगों से और दोस्त बनाता रहूँ। आप में से कुछ तो पक्का मेरे दोस्त बनेंगे, आदमी अच्छा हो, जानवर बहुत अच्छा हो, तो देख सकते हैं। मतलब सच में बहुत अच्छा जानवर, जानवरों से मुझे बहुत पटते हैं, किसी भी तरह का जानवर। जैसे मैं बता रहा, कौओं से भी बातें की अच्छे होते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ करने का सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं तो वनेश के साथ भी लोग मिलते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा, लेकिन बस ये खुद को संभालने के लिए एक 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 तरीका ढूंढना पड़ेगा। मतलब कुछ है नहीं मेरे पास, एक बैग से ज्यादा, एक एक चश्मा, मतलब उसमें पूरी जिंदगी नहीं चलता हूँ। लेकिन ये जो ट्रैवल है, इसका मुझे बस फिगर आउट करना पड़ेगा। खैर जो भी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं मुकम्मल के नाम से सुनाते ही सुनाते हैं। अपनी कविताएं तो ठीक है, अपनी कविता है, लेकिन सारी अच्छी कविता है मैं सुनाते हुए इंडिया भर में ट्रैवल करना चाहता हूँ। सो ये रहा मेरा एक शेर नवाज गुलबंदी साहब का, के इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया का सहारा। मेरे हिस्सों के कतरों पर पहरा बैठा रखा है, उसने अपनी प्यास की खातिर दरिया कब्जा रखा है, इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है। क्या सुनाऊं मेरा, और कर भी क्या सकता है, छोड़ दे सब कुछ। इससे ज्यादा मांगने वाला और कर भी क्या सकता है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। चलिए आपको अच्छी अच्छी लगता है, आप लोगों ने वैसे कितने लोगों ने सुना है मुझे पहले, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें सुन चुकी है। दो तीन लोगों ने सुना है तो अच्छा, तो मैं ना सभी को जवाब सकता हूँ। आंटी आपने शायद ये नहीं सुनी, नहीं सुनी ना उन्होंने वैसे कहा सुनी। वैसे वास्तविक कानून मुझे, मतलब मैं ना एक अलग मूड से आता है, मैं कपड़े नहीं पहनता, मैं पॉजिटिव पहनता हूँ, तो मेरे पास एक दूसरे कपड़े थे, मैं उस मूड में आने वाला था, पर मुझे लगा नहीं यहाँ पे यार तो अपने लोग हैं, तो फिर अभी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने वैसे ऐसे बहुत सारी बातें की, अभी मैंने पहले एक पॉडकास्ट भी किया था, सो उसमें इन्होंने पूछा कि लव मतलब ऐसे क्रांतिकारी कविता है या फिर रिवोल्यूशन की कविता है या फिर गुस्से की कविता है। मुझे तो लगता है मैं ना एक किताब थी वारा करना, उसमें मैंने कोशिश की कि 10 रस की 10 कविताएं, मतलब 10 धुन है, जो खुशी की बात है उसकी धुन में दुख की बात नहीं कर सकते, या फिर धुन के अंदर भी बहुत सारी बातें होती है। तो जैसे ही धुन है देवल आशीष साहब की, लगती हो रात में प्रभात की किरण सी, किरण से कोमल कपास की छुवन सी, छुवन सी लगती हो किसी लोकगीत की, लोकगीत जिसमें बसी हो गल प्रीत की, तो प्रीत को न मन एक बार कर लो प्रिय, एक बार जीवन में प्यार कर लो प्रिय। इसमें आप दुख की बात कर ही नहीं सकते, इसके साथ साउंड है, ये हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। खैर ये वाली बात मैं स्किप कर गया। तो मैं मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा लिखता हूँ, जो थोड़े से एक शांत रस है उसको जीरो मान लिया, तो ऊपर के चार रॉ जो हो गए, श्रृंगार हो गया या फिर वीर रस हो गया या फिर आश्चर्य रस, अद्भुत रस हो गया, और एक और कौन सा बच गया है, और नीचे के अगर लिखे रौद्र रस, गुस्से वाली कविताएं, डर वाली कविताएं, करुण की रोने वाली कविताएं, ये मेरा थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट जोन है। लेकिन मैंने ऊपर का भी कुछ कुछ कभी कभी लिखा है, और मैंने लिखा ना लिखा, लोगों ने जो लिखा वो तो मैंने याद किया होगा बहुत सारा। जैसे कि बचपन में मुझे इस बात के लिए डांट पड़ी थी, अब देखे ना कविता करीबन हो ना 12-13 साल का, अब मेरी जो दीदी मेरी क्योंकि मुझसे 11 साल बड़ी है, तो उस टाइम उनका कॉलेज था, और उस टाइम के कॉलेज में थोड़ा कूल था, 25 सीट को सुनना उस टाइम का कूल हुआ करता था, तो वो दिन भर सुन रही थी, तो मैं दिन भर में कार्टून देखा और मैंने ये सब मेरे कान में पाका था, मुझे याद हो गया। अब याद हो गया तो मैं गुनगुनाता रहूंगा, अब मैं गजल गुनगुना रहा हूँ, धीरे बोल रही थी, मतलब ऐसे आठ में था पढ़ पढ़ पढ़ा के इतना क्या, तो डूब के गा रही था, कहाँ प्रेम होगा तुम, और वो थोड़ी सी सेंचुअल से कह सकती है, अब मुझे तब सेंचुअल नहीं समझ आता, मेरे साउंड समझ रहा था कि तुम बोल के कितना मजा आता है, पर मैं पेटा उस बात की, मैं कविता की वजह से बहुत पेटा हूँ। तो वो गजल थी बशीर पर साहब, मुझे बाद में पता चले, मुझे नाम मैंने सब कुछ जगजीत के नाम से याद है।
चराग आफताब गुम बड़ी हसीन रात थी, चराग आफताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब के नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी, चराग आफताब गुम बड़ी हसीन रात थी, शबाब के नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी, मुझे पिला रहे थे वो कि खुद ही शम्मा बुझ गई, मुझे पिला रहे थे वो कि खुद ही शम्मा बुझ गई, गिलास गुम शराब गुम बड़ी हसीन रात के लिए लबों मतलब आगे और भी बात करते ना फिर, लबों से लब यू मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, लबों से लब यू मिल गए, लबों से लब ही सिल गए, सवाल गुम जवाब गुम बड़ी हसीन रात थी, लिखा था जिस किताब में कि इश्क को आराम है। यहाँ तक आते थे बेटा शुरू कि लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है, हुई वही किताब गुम बड़ी हसीन रात। सो ऐसा भी है तो मैंने याद तो पॉजिटिव वाला किया, लेकिन मैं लिखता हूँ तो मैं थोड़ा सा पता नहीं किस बात का गुस्सा है, एक वैसा मैंने कभी लिखा नहीं था, मैंने मतलब एंगर में मैं बहुत कम पहले भी कंफर्टेबल होता था, पिछला जो लॉकडाउन के पहले था मैं एक कभी मैंने कुछ लिखा नहीं कि वो जो हर्फ हर्फ चराग था वो जो रोशनी था आग था, वो जो हर्फ हर्फ चराग था वो जो रोशनी था आग था, वो जो दिल सा बदमान था वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो जो पी रहा था वो जो था मुजस्सम बेबसी, वो जो पी रहा था तीर की वो जो था के लगभग था नहीं वो कहाँ गया, वो जो कुदरती किरदार था, वो जो कुदरती किरदार था वो जो हर शतर का यार था, वो जो कुदरती किरदार था वो जो हर शतर का यार था, वो जो काम का बेकार था वो कहाँ गया, तो वो काम का बेकार मैं खुद भी ढूंढता रहता हूँ। लेकिन चलो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं गुस्से में तो वो एक बार ऐसा कभी लिखा था उस लड़के के बारे में, उसने अपने बारे में कि हमेशा ही बिना वजह बहुत गुस्से में होता हूँ, हमेशा ही बिना वजह बहुत गुस्से में होता हूँ, लगी थी आंख गुस्सा था खुली आंखें तो गुस्सा हूँ, हमेशा ही बिना वजह बहुत गुस्से में होता हूँ, लगी थी आंख गुस्सा था खुली आंखें तो गुस्सा हूँ, मेरे हाथों में बेचैनी मेरे पैरों में पागलपन, मेरे हाथों में बेचैनी मेरे पैरों में पागलपन, कोई होता तो पिट जाता, गनीमत है कि तनहा, मेरे हाथों में बेचैनी मेरे पैरों में पागलपन, कोई होता तो पिट जाता, गनीमत है कि तनहा हूँ, मेरे बस होठ हंसते हैं मेरी आंखें नहीं हंसती, मेरे बस होठ हंसते हैं मेरी आंखें नहीं हंसती, कभी देखो मुझे हंसता समझ लेना कि झूठा हूँ, कभी देखो मुझे हंसता समझ लेना कि झूठा हूँ, शक्ल पहरू पिए जैसी मेरी सीरत अदाकारी, शक्ल पहरू पिए जैसी मेरी सीरत अदाकारी, पता खुद को नहीं चलता हकीकत हूँ के धोखा क्या, इसके बहुत सारे प्रकर्षण है। सो मैं बात ये कह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि अब क्रांतिकारी कविता है बहुत सारी लिखते हो या फिर उस जोन की कविता है रिवोल्यूशन की या फिर रेजिस्टेंस की कविता है लिखते हो, प्यार व्यार के लिए लिखते हो, तो मैंने मुकाबले में लिखता सब सुना था नहीं, क्योंकि जो सुनना चाहता है आदमी मैं उसको वो सुनाता हूँ क्या, चलो आप बताओ आपको क्या चाहिए, क्योंकि बस ऐसे ही उसके भी कारण है, तो पैसा लगता है हर चीज के, हर चीज का क्यों बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, तो मैं अपने अंदर उतरता चला जाता हूँ। खैर तो मैं इसलिए ये पूरी अपना पूरा ट्रक ले गया है कि मुझे लगा मैं आपको बहुत देर से बोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अलग ही आराम में चल रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं किस तरह की कविता सुननी चाहिए, आपका क्या मन है आज किस इस रूम का, एक मतलब जो ऐसे करीबन 20 का 20 या 30 का जो मेरी बातों को बार बार सुन रहे हैं, देर से मैं लगातार बोल रहा हूँ मुसलसल बोल रहा हूँ, तो आप क्या सुनना चाहते हैं आज, मैं आपके एक शहर में आया हूँ आपको कविता सुन रहा हूँ, जैसी कविता बोलेंगे जिस तरह की बोलेंगे मैं जो जो जहाँ जहाँ से याद आएगा सब सुनूंगा, मैं शुरू करिए, रस बताइए, रस बताइए कि 10 रस हैं, श्रृंगार वीर श्रृंगार रस, रति प्रेम की कविता है, वीर रस उत्साह की कविता है, गुस्से की उत्साह की जिसमें मजा आएगा, सच चक्कर रंग सन अंग में उमंग धारी सर जैसे बाजी चंद जीता न चाहता, वीर रस की कविताएं या फिर आप जो आश्चर्य रस की कविताएं सुने, तो मुझे कोई बताइए कि आज ये मूड है कभी आज इसमें बज मैं टेप रिकॉर्ड करूँ आपका रिमोट आपके हाथ में कोई भी अगर आप बताएंगे तो।
मतलब मैं चाहता हूँ कि बॉल थोड़ी देर आपके पास रहे ताकि मैं एक आध आपका दे, वरना फिर मैं ले लूंगा। मतलब इसलिए भी मैंने सवाल डाला क्योंकि जहां से खुलेगा ना फिर वहां से अंदर जाता जाए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सो चलिए यहां से चलते हैं वास्तविक कहानी।